नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज फिर से हमारे YouTube चैनल हेल्प एंड रोजगार पर। आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको ऐसी जॉब के बारे में बताने वाला हूँ जिसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। दोस्तों बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया जॉब है और एकदम गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों बहुत ही बड़ा फैसला है जो सरकार द्वारा लिया गया है। काफी सारी वैकेंसियां हैं दोस्तों, जो काफी सारे लोगों के लिए निकाली गई हैं। दोस्तों आप इस टाइम पे आप आराम से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आराम से इस जॉब को पा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी जॉब होने वाली है। इसमें आपकी कोई एजुकेशन नहीं मांगेगी, अगर आप अनपढ़ हैं फिर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जॉब ही कुछ ऐसी है जिसके लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा एजुकेशन नहीं मांगी है। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी डिटेल समझ में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपना पर्सनल नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं जॉब आपकी किस में होने वाली है। आपकी जॉब दोस्तों मैं बता दूं, केंद्र विद्यालय में बैल बजाने वालों की होने वाली है दोस्तों। हाँ दोस्तों, केंद्र विद्यालय में जो बैल बजाते हैं जो छुट्टी की, उनके लिए है दोस्तों। बहुत ही बड़ी जॉब है दोस्तों, आराम से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले आपसे हमारी एक विनती, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको डेली अपडेट हमारे जॉब्स की हमारे थ्रू मिलती रहे दोस्तों। बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है मोदी सरकार द्वारा। दोस्तों मैं बता दूं, आपकी एक्चुअली जो जॉब रहेगी वो प्योन की है, केंद्र विद्यालय में प्योन की जॉब, जो बैल बजाते हैं दोस्तों। आपने देखा ही होगा काफी सारे स्कूलों में जो बैल बजाते हैं दोस्तों, केंद्र विद्यालय सरकारी जो स्कूल होते हैं उसमें जॉब लगने वाली है आपकी। बहुत ही ईजी जॉब रहेगी और आपकी इसमें कुछ ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं मांगी गई है दोस्तों, बहुत ही ईजी जॉब होने वाली है। तो आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर पाएंगे और कैसे आप जॉब को पा पाएंगे, सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करने का है, आपको क्या क्या डिटेल मांगी गई है वो आपको मैं ऐसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बता दूं डिटेल्स में, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इसमें काफ़ी सारी जो पोस्ट है वो भी निकाली गई हैं दोस्तों, तो एजुकेशन वाइज भी निकाली गई है। आप अगर अनपढ़ है तो उसके लिए आप प्यून के लिए अप्लाई कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में, हाँ आराम से। और आपको इसमें डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, उसमें आपका जो मेन डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपका आधार कार्ड रहेगा, जो आपको उसमें कुछ नहीं करना है। फॉर्म में आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको फिल करना है, और आपको कुछ जो नॉर्मल डिटेल्स हैं वो आपको, आप जैसे कि आपका नाम पता एड्रेस, वो सारी डिटेल आपको फॉर्म में भरनी होंगी। और आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो उसमें अपलोड करना होगा दोस्तों, उसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है करने को। और मैं आपको बता दूं एजुकेशन के हिसाब से, अगर आपने 10वीं या 12वीं पास कर ली तो आपको उसी हिसाब से इसमें फाइल बॉय की जॉब लग सकती है दोस्तों। फाइल बॉय जॉब मतलब आप समझ रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो आपको इधर से उधर देने होते हैं उसकी भी आपको इसमें, अगर 10वीं पास कर ली तो आप आराम से इसलिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मेन आपका जो रहेगा जो वैकेंसी ज़्यादातर पीओन के लिए निकाली गई है केंद्र विद्यालय में, आपको कुछ नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं फाइल बॉय के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपको यहाँ से उधर ट्रांसफर करने होते हैं, आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है इसमें, और उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ, आपको जो मेन डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपका आधार कार्ड रहेगा, अगर 10वीं पास कर लिए तो आपको उसमें जो मार्कशीट की फोटो स्टेट है वो है अपलोड कर दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं आपकी मिनिमम एज में कितनी मांगी गई है, आपकी उम्र सब कम से कम किसमें कितनी होनी चाहिए। अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं या 18 वर्ष से ज़्यादा के हैं तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो मैक्सिमम एज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एज और उम्र इसमें होनी चाहिए आपकी, आप दोस्तों आपकी अगर 35 साल से ऊपर के हो चुके हैं तो इसके लिए आराम बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको कम से कम 35 से कम होना चाहिए आप, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं इसकी आपकी सैलरी क्या होने वाली है दोस्तों, एकदम गवर्नमेंट जॉब रहेगी। केंद्र विद्यालय में आपको पता है ये सरकारी स्कूल्स होते हैं दोस्तों, केंद्र विद्यालय, और इसमें प्यून की जॉब रहेगी आपकी, तो बहुत ही बड़ी जॉब है दोस्तों। इसमें आपको कम से कम 35,000 से स्टार्टिंग होने वाली है दोस्तों। आपको पता ही है सरकारी जॉब नौकरी में कितनी सारी जो मतलब अच्छी सैलरी मिलती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको उसमें प्योन की जॉब है और आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बैल बजानी होती है दोस्तों, और कुछ नहीं करना होता है इसमें, बहुत ही बड़ी जॉब है। आपको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको इसका फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसमें आपको ज़्यादा खास करने को भी नहीं। और आपको मैं बता ही चुका हूँ आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे गए हैं इसमें, तो आपको कैसे अप्लाई करना है आपको बता चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना और हमारी लिंक पर क्लिक करना है, वहाँ पर जाकर आप इसको फिल कर देंगे। और फिर भी आपको कोई भी डिटेल समझ में प्रॉब्लम आ रही है तो अपना पर्सनल नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसको जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।